नहीं कितने तमाम केसेस लादे जाते हैं उन लोगों के ऊपर, क्योंकि 144 के उल्लंघन में शायद पहली बार हुआ होगा भारत में कि 14 दिन और 15 दिन की जेल मिली हुई है। जी जी, और हम लोगों ने बिल्कुल हम लोगों ने मैंने अपना स्पेशल केस उनके सामने जब रखने की कोशिश की, जब फाइनली गिरफ्तारी हो गई कि मेरी बेटी बहुत छोटी है और ब्रेस्ट फीड पे डिपेंडेंट है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी माँ को तो जेल में ही रहना चाहिए जो छोड़ के जो है वो आंदोलन करने चली है। और पुलिस की सभी फाइलों में जहां भी वो रजिस्टर करते थे हम लोगों का नाम और हम लोगों का क्या हम लोग के अपराध हैं, तो सभी जगह उनकी भाषाएं होती थी कि ये लोग दंगाई हैं। हम लोग बार बार करेक्ट भी करते थे कि हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अखबार से लेके पुलिस और प्रशासन तक की भाषा यही रही कि हम दंगाई हैं और हमारी वजह से दंगा भड़का है। तो मुझे लगता है कि धनंजय भी जो कह रहे थे कि एक तो NRC और CA के खिलाफ अगर आप एक आवाज उठा के कहें कि आप जब सरकार में आएंगे तो इस तरह के जो संविधान विरोधी कानून है उनको क्वैश करेंगे और कुछ इस तरह के कानून बनाएंगे कि भविष्य में भी कोई भी सरकार आए वो इस तरह के मनमाने ढंग से कोई भी इस तरह का कानून न बना दे जो पूरी भारत का जो ताना बाना है उसको